अच्छा सुनो, सब्सक्राइब करते वक्त ना घंटी बजा देना, ताकि जब मैं ऑनलाइन आऊं तो तुम्हारे फोन की भी। नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे YouTube चैनल पर। तो दोस्तों आज हम बात करेंगे DLED एग्जाम 2020 लेटेस्ट अपडेट। तो दोस्तों इस समय एक बड़ी अपडेट आ रही है, लो आ गई बड़ी खबर, खुशखबरी और खुशखबरी। जी हाँ दोस्तों, बड़ी खुशखबरी क्या निकल कर आ रही है सामने, देखिए यूपी के विश्वविद्यालयों में फाइनल ईयर को छोड़कर से सभी परीक्षाएं रद्द। तो दोस्तों जिस बात का आपको इंतजार था वो खबर आ चुकी है। तो यूपी के विश्वविद्यालयों में फाइनल ईयर को छोड़कर से सभी परीक्षाएं रद्द हो चुकी हैं। 30 सितंबर तक होगी अंतिम वर्षीय परीक्षाएं। देखिए अंतिम वर्ष का मतलब क्या हो गया दोस्तों, जैसे बीएससी का कोर्स हो गया, हमारा बीए का कोर्स हो गया, इन सबका दोस्तों जो बच्चे थर्ड ईयर में होंगे मतलब इन सभी का तो पेपर होगा, बाकी सभी बच्चों का पेपर रद्द हो चुका है। पूरी अपडेट को हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। और सबसे इंपॉर्टेंट चीज यहाँ पर ये होगी ना कि क्या डीएलएड छात्रों को भी प्रमोट किया जाएगा। देखिए दोस्तों यहाँ विश्वविद्यालय की बात हो रही है लेकिन डीएलएड का नाम कहीं से स्पेशली मेंशन नहीं किया गया है। तो पूरी अपडेट को हम इस वीडियो में देखेंगे, उसके बाद समझेंगे। और फिलहाल दोस्तों आप इस वीडियो को पहले अधिक से अधिक शेयर कर दीजिएगा, आपके घर में भाई बहन दोस्त यार कोई भी हो सकते हैं जो कि दोस्तों बीएससी बीटेक कुछ भी कर रहे हो लेकिन उनका पेपर अब रद्द हो चुका है। ये दोस्तों यूपी सरकार का एक बड़ा फैसला है। देखिए उत्तर प्रदेश सरकार ने विश्वविद्यालयों और कॉलेजों की परीक्षाओं को लेकर गुरुवार को दिशा निर्देश जारी कर दिए हैं। जी हाँ दोस्तों ये बड़ी अपडेट है। COVID-19 वायरस महामारी के प्रसार के खतरे के मद्देनजर उत्तर प्रदेश के राज्य विश्वविद्यालयों की फाइनल ईयर या फाइनल सेमेस्टर की परीक्षाएं छोड़कर बाकी परीक्षाएं रद्द करने का फैसला किया गया है। अब दोस्तों देखिए डीएलएड में क्या होता है, जैसे थर्ड जो सेमेस्टर होता है हमारा 2018 बैच, तो दोस्त इनको फाइनल ईयर में कहा जा सकता है, लेकिन जो डीएलएड का मतलब फोर्थ सेमेस्टर होता है दोस्तों इसको फाइनल समझा जाएगा, मतलब इनका पेपर रद्द नहीं होगा, बाकी सभी छात्रों का पेपर रद्द होगा। आगे दोस्तों क्या अपडेट है, एडवाइजरी के मुताबिक राज्य के विश्वविद्यालय और कॉलेजों में अंतिम वर्ष या सेमेस्टर की परीक्षाएं सितंबर 2020 के अंत तक ऑफलाइन या मिश्रित तरीके से ऑनलाइन ऑफलाइन या दोनों मोड में संपन्न कराई जाएंगी। उप मुख्यमंत्री डॉक्टर दिनेश शर्मा ने यह जानकारी दी है। उन्होंने कहा कि फाइनल ईयर की परीक्षा का समय कम होगा और बहुविकल्पीय प्रश्न भी पूछे जा सकेंगे। इसके लिए प्रदेश के विश्वविद्यालय 23 जुलाई तक अंतिम वर्ष के छात्रों की परीक्षा का कार्यक्रम तैयार कर उच्च शिक्षा विभाग को सौंपेंगे। उच्च शिक्षा मंत्री डॉक्टर दिनेश शर्मा ने कहा कि अंडर ग्रेजुएशन में फर्स्ट और सेकेंड ईयर और पोस्ट ग्रेजुएशन में फर्स्ट ईयर के सभी छात्र छात्राओं को आंतरिक मूल्यांकन व पिछली कक्षा में मिले अंकों के आधार पर प्रमोट किया जाएगा। ग्रेजुएशन का दोस्तों जो रिजल्ट है 15 अक्टूबर तक और पोस्ट ग्रेजुएशन का रिजल्ट 31 अक्टूबर तक घोषित करना होगा। तो दोस्तों ये बड़ी खुशखबरी है सभी छात्रों के लिए, जो बच्चे मतलब इंतजार कर रहे थे कि हमारा पेपर होगा रद्द होगा क्या होगा प्रमोट होंगे, तो कुल मिला के दोस्तों आप लोग पास हो चुके हैं, आपके लिए खुशखबरी है। उसके बाद आपको बता दें कि यूजीसी की रिवाइज्ड गाइडलाइंस के मुताबिक सभी कॉलेजों व विश्वविद्यालयों के लिए 30 सितंबर तक यूजी और पीजी कोर्सेज के फाइनल ईयर या सेमेस्टर की परीक्षाएं कराना अनिवार्य है। कुछ दिनों पहले डॉक्टर शर्मा ने वर्चुअल संवाददाता सम्मेलन में वाराणसी के मीडिया कर्मियों को संबोधित करते हुए कहा था कि उच्च शिक्षा के मामले में यूजीसी द्वारा जारी दिशा निर्देशों के तहत परीक्षा एवं कक्षा संचालित करने के बारे में कोई निर्णय लिया जाएगा। उन्होंने यह भी कहा था कि विश्वविद्यालयों में मेरिट के आधार पर भी प्रवेश लिया जा सकता है। फिर देखिए बात आगे क्या हुई कि यूजीसी की रिवाइज्ड गाइडलाइंस आने के बाद तमाम राज्यों में कन्फ्यूजन की स्थिति पैदा हो गई है। दिल्ली, राजस्थान, पंजाब, हरियाणा, महाराष्ट्र, उड़ीसा, मध्य प्रदेश और पश्चिम बंगाल की सरकारें अपने क्षेत्राधिकार के अंतर्गत आने वाले विश्वविद्यालयों में सभी परीक्षा रद्द कर चुकी हैं, जबकि यूजीसी ने सभी राज्यों से अपील की थी कि वह अपने यहाँ के सभी विश्वविद्यालयों के फाइनल ईयर के छात्रों की परीक्षा जरूर कराए। यूजीसी ने कहा है कि देश में उच्च शिक्षा स्तर में एक रूपता होना बेहद जरूरी है, इसके लिए ही गाइडलाइंस स्वीकार की जाती है और उनका अनुसरण किया जाता है। उन राज्यों को भी यूजीसी के गाइडलाइंस माननी चाहिए और फाइनल ईयर की परीक्षाएं करानी चाहिए। अगर हम फाइनल ईयर के छात्रों की परीक्षा नहीं कराएंगे तो इससे उनकी डिग्री की वैधता पर एक सवाल उठता है। यूनिवर्सिटी और कॉलेज ऑनलाइन ऑफलाइन या ब्लेंडेड किसी भी मोड से परीक्षाएं आयोजित कर सकते हैं। अगर कोई स्टूडेंट सितंबर में आयोजित होने वाली परीक्षाओं में नहीं बैठ पाता है तो यूनिवर्सिटी ऐसे छात्रों के लिए स्पेशल एग्जाम करवाएगी। फिर उसके बाद देखिए क्या होता है कि शिक्षाविदों ठीक है ने यूजीसी से कहा परीक्षा कराने के फैसले को लेकर दोबारा विचार करें। शिक्षाविदों ने यूजीसी को पत्र लिखकर फाइनल ईयर की परीक्षाएं कराने के फैसले पर दोबारा विचार विमर्श करने को लिखा है। यूजीसी के प्रमुख डीपी सिंह को लिखे पत्र में लिखा है कि परीक्षाओं पर यूजीसी की लेटेस्ट एडवाइजरी दुर्भाग्यपूर्ण है, ये हमें आगे ले जाने के बजाय पीछे ले जाएंगे। पत्र में लिखा गया है कि यूजीसी के इस फैसले से इससे मतलब राज्यों की अनिश्चितता का दौर शुरू हो जाएगा, क्योंकि कई राज्य पहले ही परीक्षा रद्द करने का फैसला ले चुके थे। इसमें यूजीसी के पूर्व चेयरमैन
सुखदेव थोराट समेत कई शिक्षाविदों ने हस्ताक्षर किए हैं। तो दोस्त ये बड़ी अपडेट है और आपके लिए एक बड़ी खुशखबरी। अब दोस्त यहाँ पर एक सवाल खड़ा होता है कि अब पीएनपी इस पर अंतिम डिसीजन क्या लेगी। जी हाँ दोस्तों, डीएलएड का पेपर रद्द होगा या नहीं, इसका दोस्त अंतिम डिसीजन पीएनपी की तरफ से आएगा कि डीएलएड छात्रों को प्रमोट करेंगे या नहीं। तो दोस्तों आपने देख लिया, फिलहाल उत्तर प्रदेश में अगर कोई बच्चा ग्रेजुएशन की कोई भी पढ़ाई कर रहा होगा, ग्रेजुएशन देखिए पोस्ट ग्रेजुएशन तक को भी प्रमोट करने की बात हो चुकी है, तो क्या डीएलएड को प्रमोट नहीं किया जाएगा। तो दोस्त इस पर एक बड़ी अपडेट्स कल या परसों तक आपके सामने आ सकेगी। प्रमोट होंगे या पेपर होगा दोस्तों, सब दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा। और जो छात्र मानसिक तौर से परेशान थे उन तक दोस्तों आप इस वीडियो को शेयर करिए, पहुंचा दीजिए। और चैनल पर नए हो तो पहले चैनल को सब्सक्राइब मान लीजिए। जी हाँ दोस्तों, सब्सक्राइब मानना भूल जाते हैं, ठीक है सब्सक्राइब कर लीजिए दोस्तों, जिससे आने वाली वीडियो के हर एक नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुंचे, ठीक है। और दोस्तों ये बड़ी अपडेट है कि यूपी सरकार ने, जो दोस्तों हमें उम्मीद थी कि एक बड़ा फैसला आएगा आपको प्रमोट करने को लेकर, लेकिन दोस्तों यहाँ डीएलएड का नाम कहीं मेंशन नहीं किया गया स्पेशली। खाली यहाँ पर बात की गई कि जो बच्चे मतलब विश्वविद्यालयों में पढ़ते थे, ग्रेजुएशन कर रहे थे या पोस्ट ग्रेजुएशन, उनको मतलब उनकी परीक्षा रद्द की जा चुकी है और उनको प्रमोट किया जाएगा। अब दोस्तों यहाँ पर यह सवाल खड़ा होता है कि क्या डीएलएड छात्रों को प्रमोट करेंगे या नहीं। देखिए पीएनपी ने कुछ दिन पहले दोस्तों एक बात कही थी कि डीएलएड में प्रमोट करने का कोई प्राविधान नहीं है, तो इसका दोस्तों एक आंसर सिंपल था, आपको ये भी समझना चाहिए हमें कि कभी भी विश्वविद्यालय में कॉलेजेस में ऐसा नहीं हुआ था कि आप लोग ने भी बीए बीएससी बीटेक या कुछ ना कुछ करके आए होंगे यहाँ तक कि आपको प्रमोट किया गया था, आपने तो पेपर दिया था, आपके साथ तो ऐसा हुआ नहीं। तो ये पहली बार हो रहा है। अब कोरोना वायरस देखिए पहली बार आया, तो भाई कुछ ना कुछ चीजें सरकार को यहाँ करनी पड़ेगी और प्रमोट करने का अच्छा विकल्प होगा, नहीं तो 2019 बैच 2018 बैच हमेशा परेशान रहेंगे। और सबसे इंपॉर्टेंट चीज यहाँ पर यह थी कि पिछले 24 घंटे में हमारे देश में 32,000 से ज्यादा कोरोना के केसेस आए और 9,70,000, और कल तक दोस्तों ये आंकड़ा 10 लाख के ऊपर होगा। और अब तक दोस्तों 614 लोगों की जान 24 घंटे में, और अब तक 24,000 से अधिक लोगों ने अपनी जान गंवाई है। तो उम्मीद करेंगे दोस्तों कि सरकार बहुत ही जल्द, जी हाँ दोस्तों मतलब जब आप इस वीडियो को देख रहे हो तब तक ये अपडेट आप तक आ चुकी हो, उसके लिए हमने नीचे कमेंट बॉक्स में आपके लिए कुछ लिंक्स दिए हैं, कमेंट बॉक्स डिस्क्रिप्शन बॉक्स, वहां पर दोस्तों आप जाकर चेक करते रहिए लेटेस्ट अपडेट, जो भी अपडेट्स आएगी हम आपको दे देंगे। फिलहाल दोस्तों ये बहुत ही राहत की खबर होगी सभी डीएलएड छात्रों के लिए, जो छात्र इंतजार कर रहे थे कि यार हमें प्रमोट कब तक किया जाएगा, कब हम अगले सेमेस्टर में पहुंचेंगे बिना पेपर दिए। एक बात और हमने आपको बताई थी कि इस समय दोस्तों आपके कॉलेज में सेकेंड और फोर्थ सेमेस्टर की टीचिंग का कार्यक्रम शुरू किया जा रहा है। जी हाँ दोस्तों, टीचिंग का मतलब आप समझते होंगे कि आप जब ये टीचिंग एक बार हो जाती है तो उसके बाद सेकेंड और फोर्थ की आपकी पढ़ाई ऑफिशियल तौर पर खत्म हो जाएगी। फिर मतलब दोस्तों जो बच्चे सेकेंड सेमेस्टर की पढ़ाई हो जाएगी तो 2019 बैच के छात्रों का मतलब थर्ड सेमेस्टर का सेशन शुरू किया जाएगा, भले आप लोग पढ़े ना पढ़े लेकिन थर्ड सेमेस्टर का जो क्लासेस होगी ऑनलाइन शुरू हो जाएगी। उसके बाद जो बच्चे फोर्थ सेमेस्टर में थे उनका डीएलएड कंप्लीट माना जाएगा, बस उनका पेपर पेपर बचेगा। तो कुल मिलाकर दोस्तों यहाँ छात्रों पर बोझ बहुत ही ज्यादा बढ़ता चला जाएगा अगर समय से पेपर नहीं कराया जाता। तो उम्मीद करेंगे दोस्तों अब सरकार एक अच्छा और बड़ा फैसला लेगी ताकि सभी छात्रों का पेपर समय से पूरा हो जाए। और जो यहाँ प्रमोट करने की बात है, देखिए अगर आपको प्रमोट कर देंगे तो सिंपल सी बात है आप सीधे सेकेंड सेमेस्टर में आ जाएंगे, और स्थिति यहाँ पर भी खराब रहती तो आपको हो सकता है कि सेकेंड में भी प्रमोट किया जाए, आपको थर्ड तक पहुंचा दिया जाए। जी हाँ दोस्तों, प्रमोट पर प्रमोट हो सकते हैं आप, उसका रीजन आप समझ रहे हैं कि कोरोना वायरस के केसेस फिलहाल अभी तो कोरोना खत्म होने वाला नहीं है, और समय से प्रमोट कर देंगे तो दोस्तों आपका आने वाला भविष्य उज्ज्वल होगा। क्योंकि देखिए जो 2019 बैच हमारा डीएलएड शुरुआत हुई थी, इसको 2021 में कंप्लीट होना है, 2021 जुलाई तक लास्ट तक, ठीक है ना। ऐसा नहीं कि 2021 में कि 2021 दिसंबर तक जाएगा, कुछ चीजें दोस्तों समय से कंप्लीट होती तो उसके बाद आप आगे का सोच सकते हैं। जैसे समय 2018 बैच के छात्रों का डीएलएड कंप्लीट होना बहुत ही जरूरी है, अगर इनको थर्ड सेमेस्टर में प्रमोट कर दिया जाता है उसके बाद दोस्तों तुरंत ही फोर्थ सेमेस्टर की परीक्षा करा ली जाती है सितंबर तक, तो उसके बाद ये छात्र आगे पोस्ट ग्रेजुएशन का या कुछ ना कुछ और चीजें सोच सकते हैं, आगे बढ़ने की बात सोच सकते हैं। अगर इनको हम प्रमोट नहीं करेंगे तो ये मतलब आगे नहीं बढ़ के पीछे हो जाएंगे, 1 साल इनका बेकार हो सकता है। तो सरकार को इस पर थोड़ा सा ध्यान केंद्रित करना चाहिए, और आप लोग भी दोस्तों अपनी आवाज को बढ़ाने के लिए इस वीडियो को अधिक से अधिक शेयर करें। काफी बार आप लोग क्या होता है ना, वीडियो को शेयर करना भूल जाते, ताकि आपकी जो आवाज होती है ना वो आगे तक नहीं पहुंच पाती। अगर आपको लगता है कि आपको प्रमोट किया जाना चाहिए तो आप इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ, जितने भी आपके कॉलेज के व्हाट्सएप ग्रुप हैं, ठीक है ना, कॉलेज की बात करें डीएलएड के, बाकी आप अन्य जगह मत भेजिएगा, फायदा आपका डीएलएड ग्रुप से होगा, हर एक छात्र तक इस वीडियो को पहुंचा दीजिए। और बताइए कि दोस्तों उत्तर प्रदेश सरकार ने फिलहाल अंतिम वर्ष के छात्रों को छोड़कर या अंतिम सेमेस्टर के छात्रों को छोड़कर सभी को प्रमोट करने का फैसला लिया है। अब दोस्तों यहाँ पर डीएलएड का भी नाम मेंशन होना चाहिए, अभी तक दोस्तों यहाँ पर डीएलएड को लेकर अपडेट नहीं है, ये बात आपको समझनी चाहिए, ठीक है। प्रमोट हो जाएंगे ये बात श्योर है,
ठीक है, लेकिन प्रमोट कौन होगा? ये होंगे दोस्तों विश्वविद्यालय के, मतलब जो बच्चे ग्रेजुएशन और पोस्ट ग्रेजुएशन कर रहे थे। डीएलएड का नाम अलग से मेंशन करने के लिए दोस्तों यहाँ पर पीएनपी को कुछ स्टेप्स लेने पड़ेंगे। अब अंतिम डिसीजन दोस्तों पीएनपी का होगा और उम्मीद करेंगे अगले 24 से 48 घंटे में पीएनपी भी दोस्तों दूध का दूध पानी का पानी सब कुछ क्लियर करेगी। फिर मिलते हैं एक और वीडियो में, तब तक के लिए स्टे कनेक्टेड। तब तक के लिए दोस्तों थोड़ी सी आप खुशी इंजॉय कर सकते हैं क्योंकि फिलहाल फाइनली सरकार ने ये फैसला ले लिया है। आपको प्रमोट कैसे करेंगे ये भी हम आपको बता देते हैं, या तो आपका जो यूनिट टेस्ट होता है इंटरनल उसके अकॉर्डिंग, या तो दोस्त एक और तरीका हो सकता है कि जो आपने मतलब ग्रेजुएशन में जो भी नंबर पाया उसके हिसाब से किया जा सकता है, या देखते हैं दोस्तों क्या होता है वो बाद में डिस्कस करेंगे। फिलहाल आपको प्रमोट करने को लेकर देखते हैं कब तक अपडेट्स मिलती है हमें। फिर मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए स्टे कनेक्टेड।